हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने रूम को साउंड प्रूफ कर सकते हो। अगर आप एक यूट्यूबर हो, घर में वीडियो रिकॉर्ड करने में आपको प्रॉब्लम होता है क्योंकि बाहर का साउंड मिक्स होता है आपके वीडियो में, या फिर अगर आपको गाने सुनने का शौक है, आपके पास एक अच्छा साउंड सिस्टम है बट आप अपने रूम में फुल साउंड में म्यूजिक नहीं प्ले कर सकते हो क्योंकि बाहर वाला कंप्लेन करेगा, तो आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आने वाला है क्योंकि आज के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप अपने रूम को पूरी तरीके से साउंड प्रूफ कर सकते हो और ना तो आपके रूम से आवाज़ बाहर जाएगा, ना तो बाहर का कोई आवाज़ आपके रूम में आएगा। दोस्तों, रूम को साउंड प्रूफ करने के लिए आपको वो सारे सोर्सेस को ब्लॉक करना होगा जहाँ से आपके रूम के अंदर साउंड आता है। तो मेनली हमारे रूम में साउंड आता है जो हमारा दरवाज़ा होता है, इसके साइड से अगर यहाँ पे गैप रहता है तो, या नीचे से या ऊपर से, या फिर हमारा जो खिड़की होता है उसके गैप से, या फिर हमारा जो वेंटिलेटर होता है वहाँ से साउंड आता है। और इन सबको अगर आप ठीक तरीके से ब्लॉक कर देते हो तो ना तो आपके रूम से साउंड बाहर जाएगा और ना तो बाहर का कोई साउंड आपके रूम पर आएगा। तो दोस्तों, इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक टेप है, साउंड प्रूफिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये फोम का होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये फोम का होता है पूरा। और यहाँ पे पीछे जो येलो कलर का जो स्ट्रिप देख रहे हो, ये सेल्फ एडहेसिव ग्लू होता है, इसको आप आसानी से चिपका सकते हो, जैसे सेलो टेप का यूज़ कर सकते हो उसी तरीके से इसको आप चिपका सकते हो। और इसको हम यूज़ करेंगे, ये जो मेरा दरवाज़ा है इसका जो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे हम इसको चिपकाएंगे। ये जो टेप आता है ये पूरा 5 मीटर का आता है। 5 मीटर का कैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप इस टेप को अलग कर सकते हो कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे 2 टेप मिल जाता है और इसको अगर आप पूरा ओपन करोगे तो ये 5 मीटर का बन जाता है। इसको अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, ऑनलाइन बाइंग लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका। तो चलिए अभी दिखा देता हूँ कैसे मैं इस दरवाजे को अभी साउंड प्रूफ बनाता हूँ। तो दोस्तों, आपने देख लिया कैसे मैंने इस दरवाज़े को साउंड प्रूफ बनाया। ये जो मेरा दरवाज़ा है ये 6.5 फुट बाई 3.5 फुट का है और पूरा 1 टेप लग जाता है इसको पूरा कवर करने के लिए। आप इस टेप का यूज़ करके अपने विंडोज़ को भी कवर कर सकते हो, साउंड प्रूफ बना सकते हो।
कहाँ पे आप यूज़ करोगे ये आपके ऊपर है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो बेस्ट बाय लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।